नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में ईद मनाने को लेकर कई मौलानाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने बताया कि शव्वल यानी कि पहली तारीख शुक्रवार को होगी। शव्वाल के महीने के पहले दिन ईद होती है। ईद का पर्व यानी खुशियों का पर्व। ईद का त्यौहार रमजान महीने के पवित्र महीने का अंत होता है। दुनिया भर में ईद का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी ईद पर कोरोना का साया बना हुआ है, इसलिए विशेष एहतियात के साथ इस पर्व को मनाने की बात कही जा रही है। लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए और फोन पर बधाई दे रहे हैं। ईद पर बधाई देने का अपना अलग ही रिवाज है। इंटरनेट के दौर में बधाई देना बहुत ही आसान हो गया है। कोरोना काल में इस तकनीक का प्रयोग करते हुए अपनों को ईद की बधाई आसानी से भेजी जा सकती है। गुरुवार को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने पुंछ, रवाला कोट, मेढर हार्ट स्प्रिंग, तिठवाल क्रॉसिंग और उरी में एक साथ मिठाई का आदान प्रदान किया। सेना की श्रीनगर स्थित 15वीं कोर के मुताबिक ईद के त्यौहार से एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच पुरानी परंपरा शुरू हो गई है। वही अब आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसे की 8वीं किश्त किसानों के खाते में भेजेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे एक समारोह में किसानों को ये किश्त जारी करेंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस समारोह में देश भर के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। अब तक इस योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए किसान परिवारों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आज का दिन बंगाल के किसानों के लिए भी खास रहेगा। लगातार मोदी सरकार की इस स्कीम के बंगाल में क्रियान्वयन का विरोध करती रही ममता सरकार ने आखिरकार अपना रुख बदलने का फैसला किया है। आज बंगाल के किसानों के खाते में पहली बार इस स्कीम के तहत पैसा भेजा जाएगा। केंद्र सरकार लगातार ममता सरकार को इस स्कीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती आई थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि आज बंगाल के सभी किसानों के खातों में पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से कुछ तकनीक और औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं की गई। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत हर साल योग्य किसानों के खातों में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। ये पैसे हर साल 4-4 महीनों के अंतराल पर 3 किश्तों में भेजे जाते हैं। 7वीं किश्त पिछले साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर भेजी गई थी। 7 किश्त मिलाकर अभी तक किसानों के खातों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। ये धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण तबाही का दौर जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में भी भारत में कोरोना वायरस के कुल 3.42 लाख केस सामने आए हैं, जो हाल ही के दिनों में कुछ कम है। चिंता की बात यह है कि अभी भी मौतों का आंकड़ा 4,000 के करीब है। बीते 24 घंटे में सामने आए कुल मामले 3,42,896। बीते 24 घंटे में कुल मौतें 3,000 से ज्यादा हुई हैं, यानी कि करीब 4,000 के। कुल एक्टिव केसेस 37 लाख से ज्यादा हैं। कुल मौतें 2,62,350 हो चुकी हैं। कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में नए मामलों में कुछ कमी आई है। महाराष्ट्र में बीते 42,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए, जबकि 850 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राज्य में अभी भी 5.33 लाख एक्टिव केस है। राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी आई है। दिल्ली में बीते दिन 10,000 से कुछ ही ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 308 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब एक्टिव केस की संख्या 80,000 से कम हो गई है, जबकि सरकार के मुताबिक ऑक्सीजन की खपत भी कम हुई है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ बीते दिन 17,000 के करीब नए केस आए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अभी भी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। भले ही नए मामलों में कुछ कमी आई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आ रही खबरें काफी ज्यादा चिंता बढ़ा रही है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में टीकाकरण रुक भी गया है। दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई रुकी है तो उसके सेंटर्स बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी 18+ वालों के लिए टीका नहीं है। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीती जाएगी, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि ईद के मौके पर जब पूरा देश मिलकर दुआ मांगेगा तो वाकई कोरोना कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर से हिंदुस्तान, खुशहाल हिंदुस्तान नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।